हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कीमा, लैम कीमा। सो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बनाने के लिए हमें चाहिए ऑनियन, ये मैंने एक लार्ज ऑनियन लिया है, टमाटो, पीस, मिंट लीव्स, कोरिएंडर लीव्स, जिंजर गार्लिक आई ग्रेटेड, कीमा, एक पाउंड कीमा लिया है, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक। ओके, चलिए मटर कीमा बनाना शुरू करें। मैंने लिया तेल गर्म हो गया है, अभी इसमें हम डालेंगे जीरा। ये देख सकते हैं कि जीरा क्रैक होना स्टार्ट हो गया, इट मीन्स हमारा तेल गर्म है। अभी इसमें डालेंगे ऑनियन, प्याज और इसको तब तक चलाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं। जब ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएगा इसमें हम डालेंगे अपना। ओके, हमारे प्याज अभी हल्के से ब्राउन हो गए हैं, इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसको एकदम एक मिनट के लिए कुक करेंगे, क्योंकि जब उनका कच्चा फ्लेवर चला जाएगा तो उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। ओके, अभी इसमें हम टमाटर डालेंगे। अभी इस टमाटर को कुक करने के लिए हम लोग थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें। मैंने हाफ टी स्पून नमक लिया है, बाद में अगर हमें और चाहिए होगा तो हम इसमें और डालना है। चलिए इसमें थोड़ा सा हल्दी, मैंने लिया 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर और अब इसको मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें मैं कीमा ऐड करूंगी और इसको मसाले के साथ मिक्स करने के बाद मैं अपना मटर और मिंट लीव्स ऐड करूंगी। अभी हम इसमें मटर ऐड करेंगे और मिंट, धनिया हम लास्ट में ऐड करेंगे गार्निशिंग के लिए। और इसका भी धीमी आंच पे करीबन 10 से 12 मिनट तक कुक करेंगे। ओके, अभी थोड़ा सा धनिया मैंने इसमें ऐड किया है और थोड़ा सा धनिया मैंने गार्निशिंग के लिए रख लिया है। अब इसको हम धीरे धीरे आंच पे पकाना शुरू करेंगे। ओके, अब ये पक चुका है, इसमें मैं डाल दी हूँ आधा चम्मच, छोटा चम्मच गरम मसाला और अब इसको मिक्स करके एक मिनट तक पकाएंगे और ये हमारा कीमा तैयार है। ओके, देखिए कीमा कितना अच्छा लग रहा है, ये अभी पक चुका है। अभी गैस हम बंद कर देते हैं, अब इसको सर्व करते हैं। ओके, कीमा अभी तैयार हो गया है, आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ परोसें, ये बहुत टेस्टी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, सी यू सीन इन द नेक्स्ट वीडियो।